विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी के नवरात्रों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रशासन हरकत में आ रहा है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नवरात्रों में श्रद्धालुओं को इस बार बिना पर्ची के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। इस संदर्भ में SDM ज्वालामुखी मनोज ठाकुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ज्वालामुखी शहर को आने वाले सभी रस्तों में नाके लगा दिए गए हैं और वहां पर श्रद्धालुओं के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। वहां पर वाहनों को खड़े करने के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का जाम ना लग पाए। उन्होंने बताया कि इस बार COVID-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा और मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन का अभियान चलाया जाएगा। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री मंदिर में नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के और आसपास के लोगों के लिए नवनिर्मित कार पार्किंग नजदीक मिनी सचिवालय में अपने रिपोर्ट दिखाने पर उनको पर्ची मिल सकेगी, उसको लेकर ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों से अनुरोध किया है कि वे अपनी रिपोर्ट साथ लेकर ही आए ताकि उन्हें यहां से खाली हाथ वापस ना लौटना पड़े। सरकार और प्रशासन जनता की सेवा के लिए और सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करना प्रशासन का पूरा दायित्व है। इंस्टा न्यूज के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट।